बहुत बढ़िया, यहाँ के लोग, यहाँ का वातावरण, यहाँ का हवा, यहाँ का जो बर्फ़ गिरने का जो समय होता है उस वक्त जो जिस तरह से दिखता है, ऊपर से बारिश भी होती है तब बादल की जिस तरह से दिखता है, इट्स ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, बहुत सुकून महसूस होता है, हाँ। इतना ऐसा लगता है जन्नत आ गए हैं क्या इससे हम। पहले कभी ऐसा नज़ारा देखने को मिला है? नहीं, मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे तो सिर्फ बिल्डिंग है, वहाँ पे तो सिर्फ कंस्ट्रक्शन है, रास्ते है, ट्रैफिक है, नो पोल्यूशन है। जब यहाँ पे आता हूँ तो सकता है सांस लिया मैंने बराबर से। मेरी तो 7-8 साल से बन रही है, मूवीज़ में देखता था, वीडियो देखता था, यूट्यूब में रिव्यूज़ देखता था और फिर इंस्टाग्राम में देखता था, कभी सपना पूरा करूँगा कभी करूँगा। जो आपने ट्रिप में नहीं रखते हैं दूर पार्टी को? ओके, एक तो है कि आपको यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ का हवा, यहाँ का पहाड़, यहाँ का स्नो, यहाँ की जो दूध पत्री की जो पर्टिकुलर जो प्लाटू है, जो लैंडस्केप है, वहाँ का एंजॉय करने के लिए, यहाँ के लोग, यहाँ का खाना, जिस तरह से वो लोग हमें रखते हैं, और स्पेशली यहाँ का जो नज़ारा है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग बाहर देशों में जाते हैं ये सब देखने के लिए, बट यहाँ पे जिस तरह से दूध पत्री में, वहाँ कहीं भी कोई और नहीं मिलेगा। नहीं, कश्मीर इज़ वेरी सेफ, द पीपल आर वेरी स्वीट, वेरी काइंड, मुझे ऐसा कभी कुछ नहीं लगा। हम मैं पूरा फैमिली के साथ आया तो मुझे बहुत सेफ, उनको भी बहुत अच्छा लगा, हम वापस ज़रूर ज़रूर आएंगे। हाँ, मैं उड़ीसा से आई हूँ, मेरा नाम है पुष्पश्री। हाँ, मैंने पहलगाँव गए थे, वो भी बहुत बढ़िया थी, और उसके बाद सोनमार्ग गए थे, वो भी बहुत बढ़िया थी, और गुलमार्ग भी गए थे, वो भी बढ़िया थी। क्या फील हो रहा है? दूधपत्री बहुत बढ़िया जगह है, दूधपत्री तो बहुत बढ़िया जगह है, यूनिक प्लेस है ये, अच्छा लगेगा जो भी आएंगे, अच्छा लगेगा। सीनरी तो बहुत अच्छा है, धूप भी, बर्फ़ भी और बारिश भी। ये दूधपत्री में अचानक बारिश आ जाता है, अचानक दूधपत्री में, कश्मीर में, ऑल ओवर कश्मीर में, पहलगाम, सोनमार्ग, गुलमार्ग और ये दूधपत्री। सबसे अच्छा कौन सा टूरिस्ट रिजॉर्ट लगा आप लोगों को? पहलगाम भी अच्छा था, दूधपत्री भी बहुत अच्छा है। ओके, हम लोग ओडिशा से हैं, भुवनेश्वर जी, नाम सरिता महंती है, बहुत सुंदर जगह है वो। 35 ईयर से मन था आने के लिए, अब भी हम लोग आना हुआ। चाहे यहाँ के लोग मिले, कैब वाले, हॉर्स राइडर, एनीवेयर, होटलर्स, कैसा लगा लोगों का नेचर आप लोगों के साथ? ना, बहुत अच्छे लोग हैं सब, सब होटल के लोग, यहाँ के लोग सब, और ये हमारे साथ है, ये तो बहुत अच्छे हैं, इनके लिए हमें ये ट्रिप और भी अच्छा लग रहा है। अच्छे बोलते हैं सब, नेगेटिव कोई नहीं देता है। कश्मीर में ऐसा क्या फील हो रहा है यहाँ देख के? स्वर्ग है, स्वर्ग है, बस ये बोलना चाह रहे हैं। मेरा नाम है विजय, ये मेरी वाइफ है रूपाली, हम लोग गुना मध्य प्रदेश से आए हैं, हम पिछले 7 दिनों से कश्मीर में। तो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर है कश्मीर, बहुत अच्छी जगह है, जैसा उसका नाम है एकदम वैसी ही जगह है, एकदम चारों तरफ ग्रीनरी। आगे जाके तुम्हें एक नदी मिलेगी, नदी के पास बर्फ है, वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पोजेज है, बहुत अच्छा अच्छा खाना मिलता है खाने को, गरम गरम, वहाँ बहुत माहौल एकदम पिकनिक स्पॉट जैसा है। क्या दूधपत्री आपके ट्रिप में था सर? या तो किसने सजेस्ट किया आने के लिए दूधपत्री? दूधपत्री जो भी, मतलब जहाँ से मैंने बुकिंग की है उसको पूरा मैंने इटनरी बताया था कि मुझे क्या क्या घूमना है, तो आज दूधपत्री का था पूरा। बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ, कितने सालों से आपकी प्लानिंग बन रही है कश्मीर आने के लिए, तो आज आ गए? हनीमून पे आए। अच्छा, वेलकम, कंग्रेचुलेशन। बाकी लोगों को बस मैं इतना ही बोलूँगा कि जब भी आप कश्मीर आएँ तो ये दूधपत्री आपकी इटनरी में ज़रूर इंक्लूड करें, इसको मिस ना करें, नहीं तो आप बहुत एक अच्छा पॉइंट मिस कर दोगे। हाँ। तो यहाँ आएँ, अच्छे से एंजॉय करें, प्रॉपर टाइम नहीं इस प्लेस को, 1 घंटे में कवर करने वाली प्लेस नहीं है। हाँ। जो भी दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है, इवन श्रीनगर में भी सब जगह एकदम नॉर्मल, जैसा आप अपने स्टेट में रहते हो वैसा ही माहौल है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं किसी भी चीज़ से आने के लिए। अच्छा लगा उन लोगों को। हाँ, चलो, बस यही मैसेज है कि बिफोर गोइंग एनीवेयर लाइक स्विट्जरलैंड एंड ऑल, यू शुड कम टू कश्मीर, लाइक फर्स्ट विजिट कश्मीर, देन यू विल फॉरगेट ऑल अदर थिंग्स। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।